कृष्ण गुरुपॉप कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बी एड दो वर्षीय प्रोग्राम है, हम आज की अपनी इस वीडियो में बी एड सेकेंड ईयर में देख रहे। बी एड सेकेंड ईयर में हमारा जो पेपर है वह है पर्यावरण शिक्षा, यानी कि पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा। बी एड सेकेंड ईयर में जो पर्यावरण शिक्षा का पेपर आता है वह ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी कि कंपल्सरी पेपर में नहीं आता है बल्कि ऑप्शनल पेपर होते हैं। बच्चे अपने चॉइस के अनुसार इस पेपर का चुनाव करते हैं। सो गाइस, हम आज अपने इस पेपर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है विश्व की खाद्य समस्या, यानी कि यह जो संसार है इस संसार के अंदर जो खाद्य समस्या है वह कौन सी है और किस प्रकार खाद्य समस्या बढ़ी जा रही है, किस कैसे किन देशों में खाद्य समस्या का संकट सामने आ रहा है, उन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। विश्व की खाद्य समस्या का वर्णन करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने विश्व के देशों को तीन श्रेणियों में बांटा है, यानी कि जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या किया है, यानी कि इस संसार की जो खाद्य समस्या है उसको जानने के लिए या खाद्य समस्या को पब्लिक के सामने रखने के लिए उसको तीन कैटेगरी में बांटा है या तीन श्रेणी में बांटा गया है। नंबर एक है विकसित देश, यानी कि नंबर एक कौन सा है, विकसित देश। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि। जनसंख्या में इतनी अधिक मात्रा लेने के बाद भी चीन विकसित देशों की श्रेणी में आता है, आदि देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इन देशों में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की कोई भी समस्या नहीं है और यह अधिक खाद्य पदार्थ होने के साथ साथ में इन दूसरे देशों को भी क्या करते हैं, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। फिर आते हैं विकासशील देश, विकासशील देश को देखते हैं। इनमें वे देश आते हैं जो अब धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि विकसित देशों को देखते हुए वह भी विकसित होने के लिए धीरे धीरे उन्नति करते जा रहे हैं, वह भी इस गति के साथ उन्नति कर रहे हैं कि हम भी विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाएं, यानी कि अब जितने भी ऐसे देश हैं वह भी धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं और आम आदमी को अच्छा और सुखमय जीवन जीने का
अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी जो बहुत ही यानी कि नीचे जीवन यापन करते हैं, वह भी अपना जो अच्छा जीवन है उस जीने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बांग्लादेश नहीं है भैया, मलेशिया आदि और भी है, काफी है। ये विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और ये देश अपने आप में यानी कि अपने आप को विकसित करने के लिए उन्नति की राह पर चल रहे हैं। यानी कि ये अपनी ये जितने भी देश हैं ये क्या कर रहे हैं, विकसित होने के लिए उन्नति कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। फिर आता है हमारा अविकसित देश, नंबर 3 अविकसित देश। इस प्रकार के देश संतत भी है और नहीं भी, यानी कि जो देश अपने आप को संतत मानते भी है और नहीं भी मानते हैं, ऐसे देश क्या कहलाते हैं? ये यानी कि जो इस प्रकार के देश होते हैं वह संतत भी अपने आप को मानते हैं और संतत नहीं भी मानते हैं और नहीं, पर ये अभावग्रस्त हैं। इनमें न तो उपजाऊ भूमि है न ही अन्न उत्पादन की श्रेष्ठतम तरीका, क्योंकि वहां पर उपजाऊ भूमि जब नहीं है तो वहां अच्छी पैदावार यानी कि फसल की जो अच्छी पैदावार है वो नहीं हो सकती है। अगर कहीं को कुछ क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है भी तो वहां पर उस भूमि पर उत्तम फसल उगाने के लिए उनके पास अच्छी तकनीकी नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, अच्छे बीजों की व्यवस्था नहीं है, अच्छे तरीके नहीं है, वैज्ञानिक सुविधाओं से वंचित से ये अपनी आबादी के लोगों का जीवन बचाने में लगे हैं। यानी कि कुछ तरीकों से जो इन देशों की आबादी है वह क्या कर रहे हैं, उनका जो जीवन है उसे बचाने के लिए तत्पर है। अन्न की आवश्यकता में ऐसे देश अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को भी बेच देते हैं, क्योंकि क्या होता है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। वह हीरे का अगर किसी राज्य या देश में हीरे की पैदावार हो रही, यानी कि हीरे पाए जाते हैं, हीरे की खदाने हैं, सोने की खदाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां पर है, जो कि बहुमूल्य पदार्थ है, बहुमूल्य है ना, लेकिन अन्न की आवश्यकता पूरी करने के लिए वह ऐसे संसाधनों को भी बेच देते हैं, क्योंकि जब मनुष्य को भूख लगती है तो वह उसका जो पेट है वह हीरे खाकर तो पूरा नहीं पटेगा, अन्न से ही पटेगा ना, इसीलिए वह अच्छे संसाधनों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेच देते हैं, यानी अपना जीवन बचाने के लिए वह यह सब कार्य करते हैं। अन्न की आवश्यकता में ऐसे देश बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बेचते हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है। इनमें कांगो, हेती, लाओसो, माली, माल्टा, नाइजर, ओमान, युगांडा आदि आते हैं। यानी कि जो अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं वह है कांगो, हेती, कौन से, कांगो, हेती, लुहासा, माली, माल्टा, माली माल्टा आदि देश अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इन देशों के पास
अच्छे बहुमूल्य संसाधन होने के बावजूद भी यह अपनी आवश्यकताओं के लिए उन संसाधनों को बेच देते हैं, क्योंकि अगर वहां पर अच्छे संसाधन है और वहां पर फसल उगाने के लिए उपजाऊ भूमि नहीं है तो उन संसाधनों का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जीवन जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। इसी कारण से यह अपनी आवश्यकताओं के लिए उन संसाधनों को भी बेच देते हैं। खाद्य विशेषज्ञों ने अन्न की उपलब्धता के संदर्भ में विश्व के सभी देशों को चार भागों में विभाजित किया है। कितने? चार भागों में विभाजित किया है। जो खाद्य विशेषज्ञ हैं, वे देश जो अपने यथेष्ट भोजन उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि नंबर एक में आते हैं ऐसे देश जो यथेष्ट भोजन अपने लिए यथेष्ट भोजन यानी कि अधिक मात्रा में भोजन उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ सुपर, वह सेल्फ सपोर्टिव होते हैं। नंबर दो में आते हैं वह देश जो अपने से सरलक्ष खाद्यान्न उत्पन्न करके दूसरे देशों को बेच सके अथवा दे सके, यानी कि ऐसे भी देश हैं जो अपने यहाँ आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों को उगाकर उन्हें दूसरे देशों को भी दे देते हैं और या बेच देते हैं, और जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती है। नंबर तीन पर वे देश आते हैं जो पर्याप्त अन्न का उत्पादन तो नहीं कर सकते लेकिन अन्य बाहरी देशों से क्रय करने की अक्षमता रखते हैं, क्योंकि ऐसे देशों में जहां पर अच्छी प्रकार से फसलें पैदा नहीं होती है, उपजाऊ भूमि नहीं है, लेकिन वहां क्या है वह अपने जीवन जीने के लिए यानी जितनी भी जनसंख्या है उसके जीवन जीने के लिए अन्न का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जीवन को जीने के लिए जिनकी उनको आवश्यकता है, जितने अन्न की खाद्यान्न की, उसे वह दूसरे देशों से क्रय कर लेते हैं। किसके द्वारा? क्योंकि वहां पर उससे अलग और बहुत सारी बहुमूल्य चीजें हैं जिनको वह क्रय विक्रय के द्वारा अदला यानी कि अदला बदली के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है या नंबर चार पर वे देश जो पर्याप्त अन्न उत्पादन कर सकते हैं और न ही सहजता से दूसरे देशों से क्रय कर सकते हैं, यानी कि ऐसे भी देश है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या है अन्न का उत्पादन करते हैं, उन्हें दूसरे देशों से खरीदने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस चौथी में अंतिम श्रेणी में आने वाले देशों की संख्या काफी अधिक है और भूख की लाचारी से ये देश अलग अलग ऐसे देशों से संबंध बनाए रखते हैं जहां से इन्हें अन्न मुफ्त तथा न्यूनतम मूल्य पर मिल सके। यानी कि जो नंबर चार की कैटेगरी में आते हैं वह देश ऐसे देशों से संपर्क बनाते हैं जहां से उनको फ्री में ही अन्न की प्राप्ति हो या बहुत ही कम मूल्य देकर अन्न की प्राप्ति हो सके। यह स्थिति बहुत ही निर्दयी है। सभी देशों को चाहिए कि वह किसी न किसी प्रकार अन्न उत्पादन के क्षेत्र पर आत्मनिर्भर बने। ये नहीं कि अन्न के लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़े, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सभी देशों को अन्न उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत ने भी अन्न उत्पादन में बहुत बड़ी मेहनत की है और सभी प्रकार के भरपूर प्रयास किए हैं जिससे हम कुछ कुछ आत्मनिर्भर हुए हैं, क्योंकि हम अन्न उत्पादन के लिए अलग अलग तरीकों का यूज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इतनी बड़ी भारतवर्ष की जो जनता है उसका भरण पोषण हो सके। यानी कि हमें उनके भरण पोषण के लिए पेट भरने के लिए उनको बाहर से नहीं खरीदना पड़े, इसीलिए भारत देश ने भी बहुत अधिक तरक्की की है। परंतु बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में निरंतर कमी, भूमि की उत्पादकता में गिरावट और अपर्याप्त सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद्यों की उपलब्धता में कमी आदि ने हमें यथार्थ स्थिति पर रोक रखा है, जबकि आवश्यकता यह है कि बढ़ती आबादी के साथ अन्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है?
फिर भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी बढ़ती जनसंख्या के साथ उनके जो उत्पादकता है उसमें भी बढ़ोतरी होती जा रही है। सो गाइस यह जो हमारा टॉपिक था विश्व की खाद्य समस्या, इसके बारे में हमने देख लिया। हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, हम अपने नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।